आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड, कहते इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम उसको क्या बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या होती है कि किसी ऑर्गेनिज्म के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजी, चेंज इन द इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे कि उसके जैसे बॉडी के फंक्शंस ही चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम इकोलॉजी, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी या फिर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वन इज एनाटॉमिकल इकोलॉजी। एनाटॉमिकल इकोलॉजी वो होगी कि जिसमें एनाटॉमी चेंज हो रही है, ठीक है। सो नहीं, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन टू इज यस, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी। अभी दो ऑप्शन बचे। पहला है हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक एरिया होगा जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेजेंट होंगी, जैसे पॉन्ड हो गया, ठीक है, रिवर हो गई, डेजर्ट हो गया, ठीक है, ये एरिया है, तो इसको बोलेंगे हैबिटेट। और हैबिटेट में एक स्पेसिफाइड रीजन, स्पेसिफाइड रीजन, उसको हम बोलते हैं निश, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी हैबिटेट इकोलॉजी भी नहीं होती, ना ही वो निश इकोलॉजी होती है, वो होती है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।